पंजाब में बीकानेर नहर टूटी, श्रीगंगानगर जिले में होगी पानी की कमी। हजारों बीघा भूमि जलमग्न, गांव डूबने की आशंका। सोमवार शाम को पंजाब में बीकानेर नहर टूटने से हजारों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। नहर में बड़ा कटाव आने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, खेतों में पानी भर गया है। पंजाब के घटियावाली गांव के डूबने का भी खतरा पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के घटियावाली गांव के पास बह रही बीकानेर कैनाल में से दोपहर 2 बजे 20 फीट कटाव आया था। इसके बाद से नहर में कटाव बढ़ता गया। पंजाब के सिंचाई विभाग ने नहर को बांधने के कोई प्रयास नहीं किए और शाम को 7 बजे तक ये कटाव 80 फीट का हो गया। राजस्थान से सिंचाई विभाग के कई अधिकारी और किसान नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हरि के बैराज से पानी बंद किया गया है, लेकिन तब तक पंजाब क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के किसानों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई पानी की पहले से ही कमी चल रही है, किसान आंदोलनरत हैं। मंगलवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर किसानों का महापड़ाव घोषित है। ऐसी स्थिति में नहर में कटाव आग में घी डालने का काम करेगा। किसान नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, इससे अफसरों में चिंता बढ़ गई है। अगले कुछ महीने में राज्य विधानसभा के चुनाव भी हैं, किसान और ज्यादा आंदोलनरत हो सकते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। हर बार जो लाखों करोड़ों रुपए बंदी में उठाकर कहाँ खपत करते हैं, कहाँ नहीं करते, समझ से बाहर है। आज पहले बार 2500 क्यूसेक पानी नहर में हुआ और नहर गट्टे वाली के पास टूट गई। बहुत दुखद खबर है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सरकार और प्रशासन जागेगी और हमारी नहर की मरम्मत करवाएगी, पटड़े ठीक करवाएगी, गंग नहर पर हुआ अतिक्रमण हटवाएगी। जो जगह जगह ट्यूबवेल लगा रखे हैं, जो आज नहर टूटने कारण बना है, वो नहर को अतिक्रमण मुक्त करवाएगी। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।